प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा ऑनलाइन प्रणाली के माध्यम से रोजगार मेले के तहत सरकारी विभागों और संगठनों में 71,000 नवनियुक्त लोगों को नियुक्ति पत्र वितरित किए गए, जिसमें नागपुर से 112 नवनियुक्त लोगों को नियुक्ति पत्र दिए। प्रधानमंत्री ने इस अवसर पर नवनियुक्तों को भी संबोधित किया। देश भर से चयनित जूनियर इंजीनियर, लोको पायलट, टेक्नीशियन, उप निरीक्षक, कांस्टेबल, आशुलिपिक, कनिष्ठ लेखाकार, ग्रामीण डाक सेवक, आयकर निरीक्षक, शिक्षक, नर्स, डॉक्टर, सामाजिक सुरक्षा अधिकारी, स्वयं सहायक पीए, बहु रोजगार मेले में आयोजित कार्यक्रम में लक्षित कर्मचारी एमटीएस ऐसे विभिन्न पदों पर कार्यभार ग्रहण करने वाले नवनियुक्त अधिकारी कर्मयोगी इंडक्शन मॉड्यूल विभिन्न सरकारी विभागों की नई भर्तियों के लिए एक ऑनलाइन ओरिएंटेशन कोर्स है। रोजगार मेला रोजगार सृजन को सर्वोच्च प्राथमिकता देने के प्रधानमंत्री मोदी के वादे को पूरा करने की दिशा में एक कदम है। रोजगार मेला रोजगार सृजन में एक प्रेरक कारक के रूप में कार्य करेगा और युवाओं को उनके सशक्तिकरण और राष्ट्रीय विकास में प्रत्यक्ष भागीदारी के लिए सार्थक अवसर प्रदान करेगा। एनडीए और भाजपा शासित राज्यों में भी लगातार रोजगार मेले का सिलसिला चल रहा है, आयोजन किया जा रहा है। कल ही असम सरकार ने रोजगार मेले का आयोजन किया था। मुझे बताया गया कि आने वाले कुछ ही समय में मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और उत्तराखंड जैसे अनेक राज्यों में रोजगार मेले होने वाले हैं। निरंतर हो रहे ये रोजगार मेले अब हमारी सरकार की पहचान बन गए हैं। ये दिखाता है कि किस तरह हमारी सरकार जो संकल्प लेती है उसे सिद्ध करके दिखाती है। आपको याद होगा, पिछले साल धनतेरस के पावन अवसर पर पहले रोजगार मेले का आयोजन हुआ। आज मुझे रोजगार मेले में सरकारी सेवा पाने वाले कुछ युवा साथियों से बातचीत करने का भी मौका मिला। उनके चेहरे पर खुशी और संतोष का भाव साफ दिख रहा है। केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री अश्विनी कुमार चौबे द्वारा नागपुर में राष्ट्रीय अग्निशमन सेवा महाविद्यालय नागपुर में नियुक्ति पत्र वितरित किए गए। कैमरा पर्सन राजकुमार मोहर के साथ क्षितिज देशमुख, BCN न्यूज, नागपुर।